हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं आपका मनपसंद का आर्ट एंड क्राफ्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखेंगे आपका पेज नंबर 30 से टॉपिक नंबर 11 मींस वेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉइंग। तो आपको ये दिखाए हुए जो 6 स्टेप्स है वो आपको निकालना है, ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट आपके पास आपकी पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके पास रेगुलरली पेंसिल रखते हुए ओनली फॉर 6B या 4B पेंसिल रखना चाहिए। ओके, क्योंकि 2B पेंसिल से क्या होता है, जब आप ड्राइंग करते हो, ड्राइंग करने के बाद जब रंग हुआ हो तो आप ड्राई करते हो या रफ करते हो तो बुक फट सकती है, तो ड्राइंग बुक फट ना जाए इसलिए आपको 6B या 4B सॉफ्ट की पेंसिल यूज करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वेयर। तो ओपन योर पेज नंबर 13 और वेयर स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखाई दिया है आपको, ये बड़ा सा सर्कल, उसके बाद नॉर्मली सर्कल बट ट्रायंगल टाइप। ओके, तो हम फर्स्ट निकालेंगे यहाँ पे सर्कल। ओके, उसके बाद जो साइड वाला जो सर्कल है आपको यहाँ पे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड स्टेप में क्या क्या निकालना है, उसके हैंड और लेग। ओके, फर्स्ट उसके हैंड यहां पे नॉर्मली रेगुलरली ये करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हैंड्स निकालते समय आपको यहां पे कुछ अलग दिख रहा है, दे रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स उसका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग है, नॉर्मली ड्राइंग करते समय जो अंदर की जो लाइन है जॉइंट की हुई है, जो उसके फर्स्ट हेड से डाउन साइड में है, नीचे है। ओके, उसके बाद उसके जो लेग है नॉर्मली और उसके बाद उसका दूसरा है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करके उसका हेड और नीचे की बॉडी, जो मिडल का हिस्सा है वो वाला, और हैंड्स एंड लेग। ओके, वो आपको फर्स्ट टोन में निकालना है। उसके बाद थर्ड स्टेप होने के बाद उसका जो डिटेल्स है, जो उसके आंखें और मुंह वाला अंदर का जो हिस्सा है, जो यहां से उसके बाद उसके आंख और उसको जो ऊपर से वाले हैं नॉर्मली एयर अंदर में, जो नॉर्मली जो फेस की जो सर्कल है, सर्कल को ज्वाइन करते हुए अंदर स्मॉल सा सर्कल निकालना है आपको। ओके, और यो होने के बाद उसका नोज नॉर्मली जो एक की तरह, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पर देख पार्ट फिफ्थ आपको देखना है, जो अंदर का जो हिस्सा है इधर का। बट स्टूडेंट्स ये आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करके ये निकालना है, बट 6B और 4B पेंसिल लेके। ओके, और फाइनल 5 पॉइंट होने के बाद उसके हेड पे निकालना है उसके हेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इस बेयर की हुई है नॉर्मली डायग्राम। ओके, ये ड्राइंग होने के बाद आपको फाइनल टचअप देना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको क्या करना है, जो 6 नंबर का जो पॉइंट दिख रहा है वो आपको फॉलो करना है।
ओके स्टेप बाय स्टेप करके जो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो ये वाली लाइन अंदर की रफ करनी है ओके, और जो ये वाला हिस्सा अंदर लेना है, ये लाइन अंदर की रफ करनी है और इधर की लाइन ओके। उसके बाद उसके आंखें हैं और नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर से आपको नीचे आना है ओके। इसके वो ऊपर देख रहा है नॉर्मली और यहां पे ऐसा है कि नीचे का पॉइंट रफ करने का ओके। आफ्टर ये अंदर की लाइन जो स्मॉल सर्कल पे है वो रफ करना है और जो ये वाली लाइन और ये होने के बाद आपको उसका स्माइल वाला मुंह निकालना है ओके। और यहाँ पे नॉर्मली दो स्ट्रीक ओके। तो स्टूडेंट्स ये हुआ उसका फेस। ये होने के बाद जो उसको नॉर्मली यहाँ पे स्टेप्स है ड्राइंग रफ करते समय आपको ध्यान देना है ये सॉफ्टली स्टेप बाय स्टेप करना ओके। उसके बाद जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसके हैंड्स हैंड्स की जो अंदर की लाइन आपको रफ करनी है और उसके बाद रेगुलरली जो नीचे वाला हिस्सा है तो आपको ये यहाँ पे जो हिस्सा है वो डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन करना है और यहाँ का अंदर का हिस्सा को रफ करना है ओके। और जो यहाँ पे लेग का जो सेंटर है यहाँ पे आपको उसके बाल निकालना है नॉर्मल। ये हुआ वन साइड ओके। उसके बाद जो मिडल का हिस्सा उससे उसका लेफ्ट हैंड निकालना है सॉफ्टली रफ करके। उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नॉर्मली सेमी दिख रहा होगा। ये फर्स्ट ये लाइन ज्वाइन करनी है, अंदर की लाइन रफ करनी है, उसके बाद ये हैंड्स अंदर लेके फिर उसको ये ऐसा और फिर अंदर की लाइन रफ करते हैं ओके। और स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मली जो इंग्लिश वाला सिक्स होता है वो सिक्स आपको निकालना है हॉकी स्टिक जैसा। उसके बाद नॉर्मली से जो हमने यहाँ पे जो बेयर की जो राइट साइड निकाली है उस साइड हमको लेफ्ट साइड तैयार करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो अंदर की हमने फर्स्ट स्टार्टिंग जो लाइंस निकाली थी वो आपको रफ करना है निकालना है ओके। और से जहां पे हमारे यहाँ पे बाल निकाले से वैसे से आपको जो उसके लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर उसको से हम फर्स्ट रफ करके बाल निकाले ओके। ये हुआ नॉर्मल टेली। आफ्टर स्टूडेंट्स उसके जो लेग है जो नीचे का हिस्सा आपको क्या करना है थ्री बार वन टू एंड थ्री ओके। और से उस साइड भी आपको क्या करना है वन टू एंड थ्री। ये होने के बाद आपको रेगुलरली अंदर की लाइन जो है वो रफ करनी है ओके। ये हुआ नॉर्मली आपका बेयर। तो स्टूडेंट्स ये होने के बाद आपको जो बेयर में कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है ओके। तो नॉर्मली उसकी आंखें उसके बाल और उसका जो नॉर्मली पेट का हिस्सा है
और आपको निकालना है। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, रेगुलरली रफ इरेजर लेके अंदर का जो हिस्सा है जो पेंसिल से आपके बुक में ब्लैक ब्लैक हुआ होगा वो आपको नॉर्मली रफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली आपको हुआ आपका वेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है पेज नंबर 13 से टॉपिक 11। ओके, तो आज आपके घर में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करके जो 6 पार्ट है, फर्स्ट कैसा निकालना है, सेकंड कैसे निकालना है और थर्ड कैसा निकालना है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके फर्स्ट टू 6 ये स्टेप आपको निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज आपका होमवर्क है पेज नंबर 13 से बेयर। ओके, थैंक यू।